सबसे बड़ी टस्मनी मेरी ये है कि मेरे वाले साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी वो आई सी यू में थे उनका इवेंट पे जाने का हो रहा था सत्रह दिसंबर को मेरी आपसे बात हुई थी मैंने ग्रुप में मैसेज किया था एमरजेंसी के तौर पे तो फिर उन्होंने मुझे आपसे कनेक्ट करवाया था तो आपने मुझे और मेरी सिस्टर को सात बार भर्द मुबीन दी थी सुनने के लिए तो उसके बाद ये हुआ एक कुछ, बोला था सुनी थी। दी थी, कुछ बोला था, जी, जी, आपने बोला था। जी आपने यही बोला था आपने ना एक्स्ट्रा पढ़ाई की जा रही है तो मुझे नहीं मालूम आपने कहा नहीं, नहीं पढ़ी जा रही या सलामू पढ़ा जा रहा है तो फिर मैंने कहा जी मैं बंद करवा दूंगी आपने कहा था ना वो बंद करवा दे वरना अपने वाल के लिए डब्बा तैयार करवाने क्या बात है यार बोले हाँ जी बोले आगे फिर हमने कहा नहीं हम बंद करवा देंगे तो फिर आपने हम दोनों सिस्टर को दिए थे पढ़ने के लिए तो फिर उससे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये कर्म हुआ कि मतलब जब पहले दिन ही हमने उसी वक्त एक पैसों का इंतजाम भी नहीं हो रहा था फिर आपने कहा छजार बिस्मिल्ला आप अभी सुन लें और पैसों का इंतजाम हो जाएगा और आप ये आजमा लें आपने ये बात भी बोली थी तो फिर ये हुआ मैंने उसी वक्त सबसे पहले छह हजार सुन ली मैं फॉर्म तो में था उस वक्त क्योंकि मतलब मैं मैं बता दूं मुझे याद है मैं फॉर्म में था उस वक्त और मैं इधर खड़ा हुआ था ये जो जगह है ना ये जो जगह है ना पीछे सोफे के पीछे यहाँ टहल रहा था क्योंकि खाना गर्म कर रहा था और कुछ और भी कर रहा था यहाँ पे यानी कि दो जगह मैं मल्टी टास्किंग कर रहा होता हूँ तो वो मल्टी टास्किंग में यहाँ था मुझे याद है या सलामों का भी याद है और ये भी कहा था कि डब्बा तैयार करा ले जी बोले आगे फिर बोले जी तो फिर उसके बाद छह हजार बिस्मिल्ला सुनी लेकिन सुबह तक पैसों का नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने एडमिन से बात की तो उन्होंने कहा आपके वजीफे में मिस्टेक है आप वजीफा चेक होगा मेरा वजीफा उसी वक्त चेक हुआ मैंने उसके बाद बिस्मुल्ला सुननी शुरू ही करी थी कि बीच में ही खबर आ गई थी कि पैसों का इंतजाम हो गया अच्छा ये बताए कि सलामो पढ़ रहे थे या नहीं काम की बात तो ये है जी जी पढ़ रहे थे मुझे कैसे पता चला सिस्टर एक झटके में इसका मतलब अगर ये स्टेटमेंट सही था तो वो बात भी सही थी कि डब्बा तैयार करा लो क्यों ड्रामा को इन जी जी है ना ऐसा ही है ना आ, आ, ये पता, पता था कि वो करने से ये होना है तो ये सोचने वाली बात है ना दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट कैसे कैसे पता चलता है वो भी ऐसी आपको तो जानते मानते ये चीज़ है जी बोले घर वालों ने क्या बोला कि आपने मुझे फ़ोन किया और उसने ऐसे कहा कि सलामों पढ़ रहे हो तो बंद कर दो वरना डब्बा तैयार करो घर वालों ने क्या बोला पागल है कोई है ना यही बोला होगा